सबको जोहार। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का थीम है द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है उसके संरक्षण और उसके प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। अगर हम देखेंगे तो आदिवासी महिलाएं एक तरह से हमारे आदिवासी समुदायों की रीढ़ हैं। गाँव समाज में आप देखेंगे कि सुबह भोर मतलब मुर्गा बोली से लेकर सोने तक कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहती है। ये अलग बात है कि पुरुष समाज कई मामलों में हम देखेंगे तो वो उनकी आलस प्रवृत्ति आपको गांव समाज में देखने को मिल जाएगी। कुछ खास समय में जरूर पुरुष समाज एक्टिव होता है, लेकिन महिलाएं अक्सर हमेशा वो किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। घर के आर्थिक व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी व्यक्ति का ख्याल रखना हो, इनमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो भी पारंपरिक ज्ञान है उसके संरक्षण में जो उन्होंने पहले अपने पैतृक स्तर पर हम हासिल किया उसका संरक्षण करने और उसका प्रसारण करने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल हो और उसका वैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले के रूप में उनकी भूमिका सामूहिक और सामुदायिक तौर पर भी अभिन्न रही है। कई आदिवासी महिलाएं भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन और इलाका की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है और दुनिया भर में आदिवासियों के सामूहिक अधिकारों की वकालत कर रही है। हालांकि आदिवासी महिलाएं अपने समुदायों में कमाने वाले, देखभाल करने वाले, ज्ञान रखने वाले, नेतृत्वकर्ता और मानवाधिकारों के रक्षकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद वे अक्सर लिंग, वर्ग, जातीयता और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के शिकार होते रहे हैं। आदिवासी महिलाएं अत्यंत गरीब, शिक्षा और निरक्षरता का निम्न स्तर, स्वास्थ्य, बुनियादी स्वच्छता, ऋण और रोजगार तक उनकी सीमित पहुंच, राजनीति में सीमित भागीदारी तथा घरेलू और यौन हिंसा से विशेष रूप से पीड़ित हैं। इसके अलावा सदियों से उनके आत्मनिर्णय, स्वशासन और संसाधनों एवं पैतृक भूमि पर नियंत्रण का अधिकार का उनके साथ उल्लंघन होता रहा है। कुछ समुदायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासी महिलाओं द्वारा छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। सामुदायिक और राष्ट्रीय भूमिकाओं में नेतृत्व उन्होंने प्राप्त किया है और अपनी भूमि और घटती जैव विविधता की रक्षा के लिए वो विरोध मोर्चे पर भी खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि आदिवासी महिलाओं को व्यापक रूप से कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उनके लिए किए गए निर्णय से वे अक्सर प्रतिकूल रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं और अक्सर भेदभाव और हिंसा की कई अभिव्यक्तियों के शिकार होते रहे हैं। आदिवासियों के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आइए इन आदिवासी महिलाओं की नायिकाओं जैसी भूमिकाओं को दोबारा हासिल करें और हम उसका सम्मान करें। सबको जोहार।